यस क्या करने जा रहे हैं आज हम? हम जा रहे हैं नवरात्रों के पहले दिन नवरात्रों की थाली ट्राई करने। ओके कहाँ पर? एरो सिटी। एरो सिटी में कहाँ पे? वर्ल्ड मार्क बीकानेर वाला। ओके यस मैडम। यस क्या खा रही हो? नवरात्रि थाली पता नहीं मैं खा पाऊंगी या नहीं। टमाटर की एलर्जी। यस हम बीकानेर आए हैं नवरात्रों की थाली ट्राई करने। वाइल वेटिंग फॉर नवरात्रि की थाली ये इंसान लेकर आया है डोनट। टेस्ट करो। हमें लग रही है भूख। खांसी खा लो यार। अपनी जनता को थोड़े एथिक्स दिखाने होते हैं। जब इंसान भूखा हो ना जो चीज नहीं भी पसंद होती वो भी अच्छी लगती है और ये वैसे ही अच्छा है। मुझे डोनट्स नहीं अच्छा लगता। मुझे तो अच्छा लगता है। जल्दी आओ भाई। आइए पधारिए। अच्छा है बट घर जैसी फीलिंग नहीं है। वो तो बाहर के खाने में कभी भी नहीं आ सकता। नवरात्रों के हिसाब से अच्छा है। अब हम खा रहे हैं मलाई कोफ्ता। पर तेज बोलो। चिल्ला के नहीं बोलते। मलाई कोफ्ता और क्या? आलू की सब्जी होती होगी मलाई कोफ्ता ज़्यादा अच्छा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से खाली थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन जो नवरात्रों के व्रत रखते हैं या फिर नवरात्रों में बाहर कोल्ड सीजन नहीं खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। उस मोहतरमा ने नई खिचड़ी पकाई है आलू के पापड़ के ऊपर मलाई कोफ्ते की ग्रेवी तो सांभर की खिचड़ी। टू मच नमक। घोची मचा रही है फिर। थाली फिनिश। दिस इज रसगुल्ला। रसगुल्ला नहीं स्पॉन्ज वाला। रसगुल्ला स्पॉन्ज वाला ये खा नहीं सकती एज इससे बनता है। खाने के बाद मीठे का अलग ही स्वाद होता है। अच्छा खाने के बाद मीठा क्यों देते हैं डेजर्ट में? मुझे क्या पता। क्योंकि खाने के बाद पानी ना पिया जाए मीठे से प्यास बुझ जाती है। मैं तो उसके बाद भी पीऊँगा लेकिन इसका टेस्ट लाजवाब।